मूसलाधार बारिश के बाद प्रमुख नदियां उफान पर आ गई हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी भी खतरे के निशान को छूने को बेताब है। लगातार बढ़ती नदियों के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसको देखते हुए राप्ती नदी तट के राजघाट पुल पर 26वीं वाहिनी पीएसी एनडीआरएफ की टीम अपना कैंप डाले हुए है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पीएसी और एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बात करते हुए पीएसी के बादशाह सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा 26वीं वाहिनी पीएसी बटालियन की फ्लड कंपनी को 2 प्लाटून राप्ती नदी के राजघाट पुल पर लगाई गई है और एनडीआरएफ की 1 कंपनी भी लगाई गई है। 26वीं बटालियन की 1 प्लाटून बहराइच में है और 2 प्लाटून यहां राप्ती नदी पर लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यहां कुल 9 नावें हैं जो सभी चालू हालत में हैं। हम किसी भी आपदा राहत से निपटने के लिए तैयार हैं। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पीएसी के बादशाह सिंह ने कहा, मैं इस दल का मेजर हूँ, हेड कांस्टेबल बादशाह सिंह। प्रशासन द्वारा यहाँ 26 बटालियन की फ्लड कंपनी का 2 प्लाटून यहाँ लगाया गया है और यहाँ पर एसडीआरएफ की एक कंपनी है, एनडीआरएफ की एक कंपनी है और 26 बटालियन के तरफ एक प्लाटून बहराइच में लगी हुई है, 2 प्लाटून यहाँ है। मेरे पास जितने ही बोट 9 बोटें हैं यहाँ पर, सब कंप्लीट हालत में है। पूरी तैयारी के साथ हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जाकर हम लोग राहत कार्य करेंगे।